दोस्तों अगर आप बेहतरीन एक्शन और अनयूजुअल मूवीज देखने के शौकीन हैं, तब तो आपको ये बात तो पता ही होगी कि फिल्मों में आपकी पसंदीदा सीन्स को जिस तरह दिखाया जाए असल में वो उस तरह होती नहीं है। दोस्तों बचपन में अक्सर बच्चे मूवीज में अनयूजुअल सीन्स को देखकर अपने पेरेंट्स से पूछ बैठते थे ये कैसे हुआ होगा, तब उनके बड़े उनसे कहते थे ये सब कंप्यूटर का कमाल है। और हम लोग आज तक यही समझते आ रहे थे कि फिल्मों में दिखाए गए अनयूजुअल सीन्स कंप्यूटर के कमाल से बनाए जाते हैं, जो कि बिल्कुल सही भी है। लेकिन दोस्तों क्या आपको पता है किस तरह कंप्यूटर अपना कमाल दिखाकर बिल्कुल नॉर्मल सीन के ऊपर स्पेशल इफेक्ट का तड़का लगाकर हमारे सिनेमाघरों में परोसते हैं। दोस्तों मैं यानी आपका होस्ट हूं दोस्त सैम, आपके फेवरेट चैनल में आपकी कुछ मनपसंद मूवीज के कुछ ऐसे स्पेशल इफेक्ट दिखाने वाला हूं जिसे देखकर आप हैरान हो जाएंगे। तो दोस्तों देर किस बात की है, फिर शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो पसंद आए तो लाइक करने में कंजूसी मत करना। गेम ऑफ थ्रोन्स, दोस्तों अगर आपने गेम ऑफ थ्रोन्स का 7th सीजन देखा है तो आपको ये सीन तो याद ही होगा जब खलीसी के ड्रैगन्स ने पूरी लैंस्टर आर्मी पर हमला बोल दिया और उन्हें पूरी तरह से तबाह कर दिया। दोस्तों बताया जाता है कि इस सीन की शूटिंग करना काफी मुश्किल था क्योंकि इस सीन में ड्रैगन्स के अलावा बाकी सारी चीजें असली थी और सारे कलाकारों को ये मानकर चलना था कि आसमान में असल में ड्रैगन्स उड़ रहे हैं। उसके साथ ही दोस्तों रियल फीलिंग देने के लिए कई बॉडी डबल्स को भी जलाया गया। लेकिन दोस्तों ड्रैगन्स की कमी को पूरा करने के लिए हवा में ड्रोन्स उड़ाए गए जिसे बाद में स्पेशल इफेक्ट के द्वारा ड्रैगन का रूप दे दिया गया और खलीसी को एक अलग तरह की मशीन पर बैठाया गया था जिसमें ग्रीन कवर लगा था। दोस्तों उसे इस मशीन में बैठा कर ये दर्शाना था कि वो एक असल के ड्रैगन के ऊपर बैठी हुई है और खलीसी के रोल कर रही एक्ट्रेस ने इसे बखूबी निभाया भी। पीके, दोस्तों ऐसे बहुत ही कम लोग होते हैं जिन्होंने हमारे बॉलीवुड सुपरस्टार आमिर खान की पीके फिल्म देखी ना हो। दोस्तों देखना तो क्या, इस फिल्म को पसंद करने वालों की भी कोई कमी नहीं है। लेकिन दोस्तों क्या आपको पता है आपकी मनपसंद फिल्म में किस तरह VFX का इस्तेमाल करके इस फिल्म की बेहतरीन स्टोरी लाइन के साथ साथ इसे फुल टू एंटरटेनमेंट का डोज दिया गया। दोस्तों इस फिल्म का बम ब्लास्ट वाला सीन तो आपको याद ही होगा जहाँ पर संजय दत्त मर जाता है। तो दोस्तों आप खुद ही देखिए किस तरह फिल्मों में बम ब्लास्ट के सीन को VFX की मदद से दर्शाया जाता है। और दोस्तों आमिर खान के बाहर की तरफ निकले कानों का राज भी इसी स्पेशल इफेक्ट में छुपा हुआ है। पायरेट्स ऑफ कैरेबियन, दोस्तों इस फिल्म का तो कहना ही क्या, इस फिल्म के हर किरदार ने दर्शकों के दिल में अपनी जगह बनाई और इसके विजुअल इफेक्ट की बात ही निराली है क्योंकि इसके विजुअल इफेक्ट्स की वजह से इसे ऑस्कर अवार्ड भी मिल गया। और दोस्तों ऐसा हो भी क्यों ना, इतने अलग अलग किरदारों को एक ही पर्दे पर लाकर खड़ा करना कोई आसान थोड़ी ना है। और अगर इस फिल्म के सबसे अनोखे किरदारों की बात करें तो ऑक्टोपस वाले किरदार को हम नहीं भूल सकते। इस किरदार को निभाने के लिए जितनी मेहनत कलाकार ने की है उतनी ही मेहनत स्पेशल इफेक्ट टीम ने भी की है, तभी तो फिल्म में इस किरदार को देखते ही सबकी रूह कांप जाती है। वैसे दोस्तों आपको ये फिल्म कैसी लगती है हमें कमेंट में बता दो। सुल्तान, दोस्तों हमारे सल्लू मियां की स्पेशल इफेक्ट के द्वारा बनाई गई बॉडी का राज तो आपको कई बार मिल गया होगा ना। लेकिन दोस्तों कुछ भी कहिए, भले ही उम्र के साथ सलमान खान की बॉडी ढलती जा रही है लेकिन आज भी इस उम्र में इतना फिट और एक्टिव इंसान हमने तो कहीं नहीं देखा। और दोस्तों सुल्तान मूवी में इनके द्वारा फिल्माए गए सभी एक्शन सीन भी काफी जबरदस्त थे। लेकिन मजा तो तब आता है जब फिल्मों में VFX का तड़का लगता है और यहाँ भी कुछ ऐसा ही हुआ। आप खुद किस तरह पतंग लूटने वाले सीन में सलमान खान और उनके साथ दौड़ रहे लड़के जमीन पर नहीं बल्कि गद्दे पर गिरते हैं, लेकिन इन गद्दों को स्पेशल इफेक्ट की वजह से सीन से हटा दिया गया। और उस सीन में जहां पर सलमान खान ट्रेन से रेसिंग करवाते हैं वहां पर भी ट्रेन के बजाय खाली ग्रीन पर्दा ही होता है। और बाकी सारा कमाल तो VFX कर देता है भाई। डेडपूल,
दोस्तों हर सुपर हीरो मूवीज की तरह डेडपूल को भी स्पेशल इफेक्ट का तड़का लगाकर तैयार किया गया और इस फिल्म को लगभग हर सीन के लिए खास ग्राफिक्स डिजाइन किए गए। इस फिल्म के मेन एक्टर को अपने पैरों में 20 इंच के जूते पहनने पड़े थे, उसके साथ ही अपने सर पर एक एंटीना भी लगाना पड़ा, जिससे जब स्पेशल इफेक्ट किया गया तो उसका अलग ही अपीयरेंस दिखाई दिया। दोस्तों इस फिल्म के स्पेशल इफेक्ट वाली टीम ने इतनी ज्यादा मेहनत की, तभी तो ये फिल्म लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाने में बिल्कुल कामयाब हो गई। तो दोस्तों आज की वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में बता दीजिए, और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो लगातार देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना।